हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कलर योर ड्रीम्स बाय सान्या। आज ब्रदर्स डे के ओकेजन पे चलिए हम बनाते हैं एक प्यारा सा आर्टिकल अपने भाई के लिए। ये एक रफ आउटलाइन है हमारे डिज़ाइन की। इसे हम एज अ फोटो फ्रेम यूज़ कर सकते हैं, एज अ वॉल डेकोर यूज़ कर सकते हैं, या फिर एज अ फ्रिज मैग्नेट यूज कर सकते हैं। बेस में यहाँ दो मैग्नेट स्टिक करके हम इसे एज अ मैग्नेट यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम डबल साइडेड टेप स्टिक करके इसको एज अ वॉल डेकोर लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके लिए जो बेसिक मटेरियल हमें चाहिए वो है फेविक्रिल का फैब्रिक ग्लू और मोल्ड इट। ओके, दीज टू थिंग्स वी रिक्वायर। और इन दो चीजों के साथ आप देखिएगा ये कितना खूबसूरत सा आर्टिकल बनके तैयार होता है। और उसके बाद हम इन्हें एक्रेलिक कलर से कलर करेंगे। तो पहले हम अपना डिजाइन तैयार करते हैं, कुछ टेक्सचर बनाएंगे। उस टेक्सचर के लिए मैंने ये एक नेट यूज किया है। ये मच्छर नेट बोलते हैं इसको, मॉस्किटो नेट, जो नेट डोर्स में लगा हुआ होता है। तो ये मैंने एज अ टूल यूज किया है, तो इसको ना सब तरफ से सिक्योर कर रखा है टेप लगा के, ताकि जो इसके एजेस है वो हार्म ना करे, बहुत शार्प होते। तो इस तरह से अगर आपके पास कोई एक छोटा पीस है नेट का, तो उसे हम एज अ टेक्स्चर यूज कर सकते हैं। मिक्स मीडिया में, म्यूरल्स में, टेक्स्चर पेंटिंग में आप इस तरह का टेक्सचर क्रिएट करेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लुक आएगा। वो मैं आपको भी करना बताऊंगी कि हम इसे कैसे कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अपना मोल्डेड मिक्स कर लेते हैं। सी आई मिक्स माय मोल्डेड नाउ, यूज एनी रोलिंग पिन एंड रोल इट। ऑलवेज यूज लिटिल टेलकम, उससे ना आपका जो मोल्डेड है वो बहुत अच्छा और स्मूथ वर्क करेगा और आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी काम करने में। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हम टेक्सचर क्रिएट करेंगे, तो वेरी जेंटली यू रिमूव इट, नो इश्यूज अगर ये हल्का सा टूट भी गया है तो, क्योंकि हमें तो ये स्टिक ही करना है बेसिकली। See how beautiful texture we achieve, है ना? तो अभी हम इस टेक्सचर को कैसे यूज करेंगे, आई विल शो यू। ट्राई टू यूज ऑलवेज दिस फैब्रिक ग्लू। ओके, नाउ कट ऑल द एक्स्ट्रा विद एनी ब्लंट नाइफ और एनी कटर। ओके, आई यूज दिस काइंड ऑफ नाइफ।
After cutting, we have to make finishing. Always use talcum. हमेशा जो भी आप टूल यूज कर रहे हो उस पे हल्का सा टेलकम लगा लो तो वो बहुत अच्छा काम करेगा. आप देख रहे हो कितना अच्छा टेक्सचर इफेक्ट आया. अब जैसे यहाँ हमने स्मूथ किया ना तो थोड़ा सा टेक्सचर इफेक्ट चला जाता है, वो भी कोई इश्यू नहीं है. आप इस नेट को यहाँ रख के ऐसे हल्का सा प्रेस करोगे तो वो वापस से टेक्सचर इफेक्ट आ जाएगा, और अगर वो हल्का सा अनइवन हो गया है तो आप फिर से उसको इवन कर दो. ठीक है, लाइक दिस आप इसको फिनिशिंग दे दो. जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको कट करके निकाल देंगे लाइक दिस. नाउ सेम प्रोसीजर फॉर दिस हाफ साइड. ओके, जो भी टूल आप अपने क्ले सरफेस पे यूज करो उसको हमेशा थोड़ा सा टेलकम पाउडर से ऐसे रब कर लो. उससे आपका जो टूल है वो नॉन स्टिकी रहेगा और वो आपके टेक्सचर सरफेस पे चिपकेगा नहीं. ठीक है, तो ये देखिए कितना खूबसूरत दिल तैयार हो गया, टेक्सचर दिल तैयार हो गया. अब मैं आपको रोज बनाना बताती हूँ. ठीक है, तो कुछ रोजेस लगाएंगे, कुछ लीव्स लगाएंगे. रोज बनाने के लिए हमें क्ले की छोटी छोटी सी बॉल्स बनानी है. ठीक है, जितना बड़ा आपको रोज बनाना है उतनी ही आप बॉल्स बना सकते हो. ये हमारा एक 6 inches डायमीटर का सर्कल है, तो बहुत बड़ा रोज नहीं हम इस पे लगाएंगे क्योंकि अभी हमें फॉन्ट भी लिखना है और फॉन्ट के साथ साथ हमें इसमें फोटोग्राफ भी लगाना है. तो इस तरह से हम ये रोज के लिए पेटल्स बनाएंगे छोटी छोटी सी. आप जितना बड़ा बनाना चाहते हो इस प्रोसीजर से उतना बड़ा आप आराम से बना सकते हो. ठीक है, अब बिल्कुल केयरफुली इसको ऐसे टर्न करेंगे और इस एंड के साथ हम इसे एक और पेटल एंड ऐड कर देंगे, यहाँ एक और, फिर इसी तरह से ऐड करते जाएंगे. जितने भी आप चाहते हो उतनी आप ऐड करते जाओ. एंड में इसको इस तरह से हम टर्न कर देंगे. तो देखा आपने इतना इजी और खूबसूरत फ्लावर. ठीक है, तो ये हमारा रोज बन गया. ऐसे हम दो रोज यूज करेंगे. अब हम कुछ पत्तियां बनाते हैं. छोटी छोटी सी, क्योंकि रोज हमने छोटा ही बनाया है तो हम पत्ती भी छोटी ही बनाएंगे.
मैंने पहले भी बोला था कि जो भी टूल आप यूज करो क्ले के ऊपर, उसको थोड़ा सा टेलकम लगा लो ताकि वो नॉन स्टिकी हो जाए, ठीक है? ऐसे 3/4 सफिशिएंट है। कुछ फ्लावर्स के लिए मैं मोल्ड यूज करूंगी, प्लास्टिक के मोल्ड्स आते हैं, उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। इन सब चीजों के लिंक जो भी मैं यूज कर रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर ना मिले तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस को भी फॉलो कर सकते हो। अगर आपको ये ट्यूटोरियल पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को प्रेस करना ताकि मेरे जितने भी ट्यूटोरियल्स अपलोड हों वो सबसे पहले उनका नोटिफिकेशन आपको आए। इस तरह से हमने कुछ पत्तियां बना ली, ठीक है? हमारे पास रोज हो गए, पत्तियां हो गई। अब मैं आपको कटर से कैसे फ्लावर्स कट करते हैं वो बताती हूँ। ये मैंने क्ले को रोल किया और ये इस तरह के पुश करने वाले कटर्स हैं, तो टेलकम में हल्का सा इसको रब किया, इस पे प्रेस करके, एंड सी हाउ सिंपल एंड हाउ ब्यूटीफुल। तो इस तरह से हम कुछ फ्लावर्स कट कर लेंगे। देखिए कितना खूबसूरत और कितना सिंपल है ये फ्लावर, ठीक है? अब हम जो फॉन्ट हमें लिखना है आई, उसके लिए क्ले रोल करेंगे, ठीक है? क्ले रोल करने के लिए हमेशा एक फ्लैट सरफेस यूज कीजिए, इससे आपका क्ले एकदम फाइन और स्मूथ रोल होगा और बहुत अच्छी कॉइल बन जाएगी। फॉन्ट आप कैसा भी लिख सकते हो, इट्स Completely optional, जैसा आपको अच्छा लगे। I, I love. Now we are right, bro. Bro के लिए हम थोड़ा सा bold ही रखेंगे अपना clay coil ताकि वो proper highlight हो। ऑलवेज थोड़ा सा टेलकम यूज कीजिएगा, अपना जो भी आप यूज करते हो कट करने के लिए टूल,
उससे आपका जो कटिंग है वो बहुत अच्छी और प्रॉपर एकदम फाइन होगी। हल्का सा टेलकम रब कर देंगे इस पे तो जो हमारा फॉन्ट है वो बिल्कुल प्रॉपर हो जाएगा। आई विल शो यू। अच्छा लग रहा है ना? चलिए अब आर लिखते हैं। सेम आर के लिए भी हम थोड़ा मोटा सा ही कॉइल को बनाएंगे। मोटी कॉइल से हमारा अल्फाबेट अच्छे दिखेंगे। कॉइल हल्की सी मोटी बनाने से ना हमें काम करने में भी आसानी रहती है और बिगनर्स के लिए तो ये बहुत ही अच्छा है कि अगर हम थोड़ा सा मोटा कॉइल बनाएं तो राइटिंग करने में बहुत मज़ा आता है। बस आप छोटी छोटी टिप्स का ध्यान रखिए। आपका जो भी टूल है आप उसे यूज़ कर रहे हैं हल्का हल्का उस पर टेलकम लगा लीजिए और थोड़ा कॉइल को मोटा बनाइए। आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप देखिए कितना अच्छा फॉन्ट लिखा जा रहा है और कितने आराम से। इट्स वंडरफुल ना? चलिए अब हम इस पे अपने फ्लावर्स एडजस्ट करते हैं। आप जितने चाहें उतने फ्लावर्स लगा सकते हो। इट्स कंप्लीटली ऑप्शनल। So we are going to start with the coloring part. I'm using these colors. It's Persian blue, it's turquoise blue, black, red, and golden and copper. We are using dabbing technique and dry brush technique, both we are using. पर्शियन ब्लू उसके साथ हल्का सा ब्लैक कलर यूज़ कर रही हूँ मैं। बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा, इसको इंडिगो ब्लू कलर बनाने के लिए। पर्शियन ब्लू में जब हम बहुत स्लाइटली सा ब्लैक टच करते हैं तो वो इंडिगो ब्लू बन जाता है। ठीक है, इंडिगो ब्लू शेड बेसिकली मार्केट में नहीं मिलता, उसको इन्वेंटी करना पड़ता है। तो हल्का सा
ब्लैक मिक्स करते हैं तो वो इंडिगो ब्लू कन्वर्ट हो जाता है। आप इसकी जगह ब्लैक भी यूज कर सकते हो, मतलब आप अपनी चॉइस का कोई भी कलर आप इसमें यूज कर सकते हो। ब्लू कलर मेरे बेटे का फेवरेट कलर है तो मैं थोड़ा इसको ब्लूइश टच दे रही हूँ। गिफ्ट उसके लिए बन रहा है तो थोड़ा उसकी चॉइस का भी ध्यान रखा जाए। साथ में थोड़ा सा ग्रीन कलर ले लेते हैं। इट्स पर्टिकुलर नॉट अ ग्रीन, इट्स टर्कोइश। स्लाइटली स्लाइटली स्पॉन्ज से हाईलाइट करते हैं कहीं कहीं पे। You can see how beautifully it convert. सिर्फ मैंने व्हाइट ही यूज किया है। बहुत ही सॉफ्टली डैबिंग करनी है, बहुत ही सॉफ्टली, बिकॉज ज़रा सा भी अगर आपने दबाया तो जो हमारा टेक्सचर इफेक्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। This effect give a beautiful effect to your background. Okay. अभी एक बार white का हल्का सा effect हम और डालते हैं सिर्फ brow पे, क्योंकि brow alphabet का highlight होना बहुत जरूरी है। इस पूरी थीम में या फ्रिज मैग्नेट में या जो भी आप इसे बनाना चाहते हैं, ब्रो अल्फाबेट इज मेन इम्पॉर्टेंट। चलिए अब इसमें एक ट्विस्ट और करते हैं, बहुत ही स्लाइडली सा कहीं कहीं पे गोल्डन इफेक्ट, बहुत बहुत ही स्लाइडली सा कहीं कहीं पे, ज्यादा नहीं करना है, हल्का सा। थोड़ा इसको और रिच लुक देने के लिए
सिर्फ ये जो दिल बनाया और इन फ्लावर्स पे, बाकी और कहीं पर कोई नीड नहीं है, ऐसे ही ये बहुत सुंदर लग रहा है। तो देखा आपने कितनी आसानी से और कितना खूबसूरत हमने ब्रदर्स डे का गिफ्ट तैयार किया। चलिए अब इस जगह पर हम अपने भाई की पिक को एडजस्ट करते हैं। थोड़ा गीला है तो केयरफुली आप करना। ये मेरा बेटा है और मेरी बेटी का नॉटी भाई। सी हाउ क्यूट एंड स्वीट। अब आप इसके बैक साइड पे चाहे तो फ्रिज मैग्नेट पर लगा सकते हैं, चाहे आप मस्किन टेप लगा सकते हैं, डबल साइडेड टेप लगा सकते हैं, इवन आप एक थ्रेड स्टिक करके इसको वॉल पे हैंग कर सकते हैं और एक क्यूट सा वॉल डेकोर, प्यारा सा बर्थडे गिफ्ट या ब्रदर्स डे गिफ्ट आप तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपको ये आइडिया पसंद आया हो और इस तरह के और भी ट्यूटोरियल्स और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मेरे चैनल का नाम है कलर योर ड्रीम्स बाय सान्या। थैंक यू सो मच।